हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके, उसके ऊपर आपका है। अब मैंने बोला है कि कोई भी आपका प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो रहा है, बैंक में आपका प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता है, और वो चेंज किसके इक्वल है कि जो भी बैंक इंटरेस्ट पे करती है उसके और जो प्रिंसिपल है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है रिलेशन कि एट द व्हाट रेट ऑफ परसेंट रुपीज 100 विल बी डबल इन 10 इयर्स, कि आपका जो है 100 रुपीज डबल कब होता है। तो सबसे पहले आपका देखो रेट ऑफ द चेंज या चेंज इन प्रिंसिपल मींस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका चेंज इन प्रिंसिपल को आप क्या लिखोगे, डीपी अपॉन डीटी। ये मैंने चेंज इन प्रिंसिपल, अब दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेट। सपोज किया बैंक ने आपको 100 रेट आर परसेंट दिया हुआ है, तो आर अपॉन 100 रेट हो गया, इनटू प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होगा। अब इसमें मैं लाइक वेरिएबल्स हैं, तो मेरा आपका पी जो है वो डीपी की तरफ आ जाएगा, तो मैं वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूं, तो डीपी अपॉन पी दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन 100 डीटी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने यहां पर इंटीग्रेटिंग किया है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट विल बी लॉग पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी एंड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ये आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब इसमें जब आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था, कुछ भी मनी आपने डिपॉजिट किया था, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो देन प्रिंसिपल दैट इज पी जीरो मीन्स देन ऑरिजिनल प्रिंसिपल लिया मैंने इसको। सो पुट हेयर इफ टी इज इक्वल टू जीरो देन पी जीरो पी इज इक्वल टू पी जीरो इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इन टी इंटू जीरो प्लस सी, सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू लॉग पी जीरो। सो पुट द वैल्यू ऑफ सी हेयर देन log p it will be equal to r upon 100 into t plus log p0। अब मैं p0 को इधर ले आता हूं, तो log m minus log n that will be log m upon n, तो मैंने p upon p0 is equal to r upon 100 t, ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट पर आपका रुपीज 100 डबल हो जाएगा 10 ईयर में। तो इसका मतलब मेरा t इज इक्वल टू 10 एंड p दैट विल बी इक्वल टू डबल मीन्स 200 एंड p0 दैट इज 100। अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो log 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू रेट मुझे फाइंड आउट करना है r अपॉन 100 एंड t इन 10 ईयर्स, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो log 2 और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 6931, तो आपका log 2 दैट विल बी इक्वल टू r अपॉन 10 और r इज इक्वल टू 10 log 2 और log 2 इज 0.6931, सो r इज इक्वल टू 0.6931 इंटू 2 सॉरी इंटू 10, सो इट विल बी इक्वल टू 6.93%। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 10 ईयर में 100 रुपीज डबल हो जाएंगे। योर नेक्स्ट पार्ट, यदि आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, तो वो 10 ईयर में कितना आपको अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट मीन्स मुझे पी फाइंड आउट करना है। पी जीरो मैंने 1000 लिया है, तो सेकेंड पार्ट के लिए आपका, इसके लिए आपका पी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। P0 जो है मेरा वो आपका 1000 रुपीज़ है, T मेरा जो है वो 5 ईयर T मेरा 10 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% है। अब ये वैल्यू मैं अपने इक्वेशन में पुट करता हूँ, आपकी जो इक्वेशन थी वो आपकी ये है, तो log P दैट इज अननोन एंड इट विल बी 1000, P0 इज 1000 इज इक्वल टू रेट ऑफ परसेंट 5 अपॉन 100 एन टी इज 10, ये आपका, तो ये आपका 1/10 और 1/2 हो जाएगा। तो अब आपका log p अपॉन 1000 दैट विल बी इक्वल टू 0.5। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के log का बेस मेरा e है, तो e टू द पावर 0.5 दैट विल इक्वल टू p अपॉन 1000
एंड ई टू द पावर 0.5 दैट विल 1.648 इज इक्वल टू पी अपॉन 1000 एंड पी इज इक्वल टू 1648। तो आपका जो अमाउंट होगा वो आपका 1648 दैट विल बी आफ्टर 10 ईयर इफ वी डिपॉजिट रुपीज 1000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द टाउन और एनी अदर सिटी, किसी भी सिटी में जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, वो आपके किसके प्रपोर्शनल में जो आपका उसमें प्रेजेंट है। तो इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन को पी लिया हुआ है, इट मीन्स चेंज होगा दैट डी पी अपॉन डी टी इट इज प्रपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट। तो मैंने उसको पॉपुलेशन को पी लिया हुआ है। अब जब ये प्रपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपका डी पी अपॉन डी टी दैट विल इक्वल टू के पी, मैंने के जो है कॉन्स्टेंट लिया हुआ है, प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अब मैं सेपरेट करता हूँ, देन डी पी अपॉन पी दैट विल इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इनको आप इंटीग्रेट करो, सो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज लॉग पी इज इक्वल टू के टी एंड प्लस सी, सी आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब आपका वैन टी इज इक्वल टू जीरो देन ओरिजिनल पॉपुलेशन देन पी इज इक्वल टू पी जीरो, तो उसमें आपका मैंने ओरिजिनल पॉपुलेशन को पी जीरो ले लिया है, तो आपका लॉग पी जीरो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू जीरो एंड प्लस सी, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, देन सी इज इक्वल टू लॉग पी जीरो। अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, देन लॉग पी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस लॉग पी जीरो, और ये मैंने इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, लॉग पी अपॉन पी जीरो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू टी, ये आपकी यहाँ से इक्वेशन फ्रेम होके आती है। अब मुझे के फाइंड आउट करना है, तो के फाइंड आउट करना है तो उसने बोला है कि दिस पॉपुलेशन विल बी डबल इन 50 ईयर, ये आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी डबल हो जाती है इन 50 ईयर्स। तो मैंने इसको 50 ईयर्स में लिया, तो इसका डबल मीन्स दैट पी विल बी इक्वल टू 2 पी जीरो, डबल हो गया एंड पी, ये मैंने यहाँ को डबल कर दिया है, इन 50 ईयर मीन्स टाइम इज 50 ईयर्स, दैट विल इक्वल टू के इंटू 50, तो दिस विल बी 1/50 लॉग 2 दैट विल बी के, तो ये के की वैल्यू, देन योर इक्वेशन दिस विल बी लॉग पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू के इज 1/50 लॉग 2, ये आपका इंटू टी, ये मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, आपकी जो के की वैल्यू निकली थी, और इंटू टी, ये आपका रिलेशन है। अब वो कह रहा है कि इन व्हाट टाइम इट विल बी ट्रिपल, ये कब कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाएगी, इट मीन्स आपका जो पी है ये आपका 3P0 हो जाएगा अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू 1/50 लॉग 2 और इंटू टी, टी मुझे फाइंड आउट करना है कितने टाइम में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको 50 दे ले जाता हूँ, तो 50 लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू टी और टी इज इक्वल टू 50 लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 2, तो ये आपका इतने टाइम में पॉपुलेशन आपकी ट्रिपल हो जाएगी। अब ये मैंने यहाँ ग्रोथ लिया है, तो ग्रोथ में देखो मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ प्लस साइन, यदि ये डिके होता है कुछ भी, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो आपका डिके होगा, तो यहाँ आप माइनस के पी माइनस यूज करोगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसने बोला है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो जो डिसइंटीग्रेट होता है वो उसमें जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, तो मैंने उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी पी ले ली है, तो चेंज इन पी डी पी अपॉन डी टी दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी डी पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस के पी। अब ये डिसइंटीग्रेट होता है मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया है, तो ये आपका डेके का क्वेश्चन है, अभी तक मैंने ग्रोथ का क्वेश्चन किया था, तो अब मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड को, तो डी पी अपॉन पी वेरिएबल सेपरेबल कर दिए यहाँ पर, माइनस के डी टी और इसका लॉग पी इसका के टी और सी। अब जब आपका टाइम जीरो है तो ओरिजिनल मैंने जो अमाउंट ली है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो आपकी पी जीरो ली है, तो मैंने पी को पी जीरो लिख दिया है और के आपका टाइम जीरो और सी, तो सी की वैल्यू आपकी लॉग पी जीरो आ जाएगी। अब मैंने इस वैल्यू को सी को यहाँ पुट किया हुआ है इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट किया है, तो लॉग पी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग पी जीरो,
तो मैंने इसको पी को इधर लेके आया हूँ, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन दैट इक्वल टू माइनस के टी, ये आपका कॉन्स्टेंट है। अब उसने बोला है कि आप 100 ईयर्स के बाद आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो आपका 10% डेके हो जाता है, 10% कम हो जाता है। तो मैंने एक्स पी जीरो का 10% निकाला है और उससे मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरी पी की वैल्यू आएगी आफ्टर 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स के बाद मेरा जो अमाउंट बचेगा वो 9P0/10, तो आपका पी अपॉन पी जीरो, तो ये आपका पी, मैंने पी जीरो को दे लिया, दैट विल बी 9/10। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की है, लॉग 9/10 दैट इक्वल टू माइनस के इंटू टी, टी मेरा 100 था और मैंने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये मैंने के की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट कर दी है, जो आपकी ये इक्वेशन थी, तो आपका लॉग पी अपॉन पी जीरो और माइनस, और वैल्यू भी माइनस आ रही थी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/100 लॉग टाइम दिस एंड इंटू टी। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई इसके लिए। अब कह रहा है कि आफ्टर 1000 ईयर के बाद कितने परसेंट आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब है कितना आपका परसेंटेज चेंज होगा उसमें। तो अब मैंने टी जो है वो 1000 ईयर लिया है और इसमें मैंने टी की जगह 1000 पुट कर दिया, तो मैंने इसको सिंपलीफाई किया, तो लॉग पी अपॉन पी जीरो दैट इक्वल टू 0.92 to the power 10, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो ये मैंने 1000 टी की वैल्यू पुट की है, ये आपका 1/100 यहाँ था लॉग ही दिस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये जो टर्न एन लॉग एम, ये जो 10 है इसकी पावर बन जाएगी, तो मैंने 0.9 करके इसकी पावर 10 बना दिया है और दोनों तरफ से लॉग को हटा दिया, तो पी अपॉन पी जीरो दैट विल बी 0.9। अब परसेंटेजेस क्या है, जो भी आपकी अमाउंट है और ओरिजिनल अमाउंट है इंटू 100, तो ये आपका पी अपॉन पी जीरो दैट इज 0.9 to the power 10 और इंटू 100, सो दिस परसेंट